पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। जिले के प्रसिद्ध गुरना माता देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्धालुओं के साथ ही यात्रा करने वाले लोग भी अलाव का लाभ ले सकेंगे। इधर नगर क्षेत्र में नगरपालिका ने जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, सिलताम आदि क्षेत्रों में अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि ठंड बढ़ने पर अन्य स्थानों पर भी अलाव जलाए जाएंगे। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने और मूल निवास लागू करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की तिवारी सरकार ने 2003 में भू कानून लागू करते हुए राज्य के बाहरी व्यक्तियों को 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद की छूट दी। बाद में खंडूरी सरकार ने इसे 250 वर्ग मीटर किया। त्रिवेंद्र रावत सरकार आने से राज्य में जमीन खरीदने संबंधी यह सीमा खत्म हो गई। कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मूल निवास के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय में आईसीयू का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से आईसीयू संचालन और परेशानियों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी के पिता का हालचाल भी जाना। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लगे पबदेव गांव की प्रधान सुनीता देवी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कहा है कि वर्ष 2008 में उनके गांव में चारागाह विकसित करने के 1000 नाली जमीन में प्रकृति संरक्षण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कहा है कि मातृशक्ति ने चारागाह विकसित किया है, इससे पौराणिक जलधाराओं में पानी भी काफी है। कहा है कि यदि इन महिलाओं को सम्मानित करें तो इससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। जिला खेल कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा 3 दिनी जिला स्तरीय एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एवं टेबल टेनिस की प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कैप्टन देवी चंद एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। अनुसूचित जाति की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 100 मीटर ओपन बालक राहुल कुमार बेरीनाग ने प्रथम स्थान, दिवाकर बीर ने द्वितीय स्थान एवं मयंक कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 1500 मीटर अंडर 17 बालक संदीप कुमार बेरीनाग ने प्रथम स्थान, उदिताशु डिडीहाट ने द्वितीय स्थान, चंद्र प्रकाश धारचूला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के टकाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को पानी नहीं आने से लोग खासे परेशान रहे। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने कहा कि 80 करोड़ की आंवला घाट योजना के बाद भी लोग पेयजल को तरस रहे हैं। उन्होंने शीघ्र पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग उठाई। नेपाल के बैतड़ी में जंगली सुअर के हमले में मेलौली नगरपालिका 2 के 35 वर्षीय राम बहादुर चंद घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जंगली सुअरों का झुंड सियालडुंगा नामक गांव में आ गया था। हमले से घायल चंद के पैर में गहरा घाव है और शरीर के अन्य हिस्से भी जख्मी हैं। पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जन स्वास्थ्य निरीक्षक प्रेम सागर भट्ट ने बताया कि घायल को पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य इलाज के बाद डडेलधुरा अस्पताल भेजा गया है। धारचूला में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। झंडारोहण के बाद कार्यकर्ताओं को मिष्ठान वितरित किया गया। साथ ही तहसील प्रांगण पहुंच सशक्त भू कानून के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। इस दौरान दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।